हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक, ग्रेड 12 से। वी यूज मेनी आइटम्स इन अवर डेली लाइफ। अपनी रोज की जिंदगी में हम बहुत अलग अलग तरीकों की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम टूथपेस्ट टू अवर बेड टी, मिल्क, क्लोथ्स, सोप्स, फूड आइटम एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड एवरी डे। आपका सुबह उठने के बाद जो टूथब्रश करना है उसके लिए आपको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है, इसके बाद आप बेड टी पीते हैं, इसके अलावा आपको मिल्क हो गए, क्लोथ्स हो गया, आपके सोप्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, हर दिन इनकी जरूरत पड़ती है। ऑल दीज कैन बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। सब चीजें मार्केट से यानी बाजार से खरीदी जा सकती है। हैव यू एवर थॉट एज टू हाउ दीज आइटम्स आर ब्रॉट फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी चीजें जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती हैं, ये एक्चुअल में जहां बनती हैं वहां से मार्केट में पहुंचती कैसे हैं? All the production is meant for consumption. जितना भी उत्पादन होता है वो सब use करने के लिए तो है, consume करने के लिए तो है. From the fields and factory, the produce is brought to the place from where consumers purchase it. चाहे field हो या factory, जो भी production होता है वो उस जगह लाया जाता है जहाँ से consumers यानी जो उपभोक्ता है वो आसानी से उसको खरीद सके. It is the transportation of these items from the site of their production to the market which make them available to the consumer. अब ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, यानी इन चीजों का जहां बन रही है वहां से लेके मार्केट में आना ताकि कंज्यूमर उससे आसानी से खरीद पाए, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन के कारण। वी नॉट ओनली यूज मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बुक्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, बट ऑल्सो यूज आइडियाज, व्यूज एंड मैसेजेस इन अवर डेली लाइफ। हम खाली चीजों का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी फल, सब्जी, किताबें, कपड़े, इनका ही खाली इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि विचार है, आपका जो देखने का नजरिया है, आपके जो मैसेजेस हैं, वो भी हम रोज की जिंदगी में उनका आदान प्रदान होता है। Do you know we exchange our views, ideas and messages from one place to another or one individual to another while communicating with the help of various means? तो हम जो अपने मैसेजेस हैं, व्यूज हैं, आइडियाज हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो हमारा एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, और उसके लिए हम अलग अलग तरीके के चीजों का इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन अवर नीड्स टू मूव द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द प्लेस ऑफ देयर यूज। अब जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल है ये किस पर निर्भर करता है कि किस लिए, किस जरूरत के लिए जो चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाए, यानी जहां से जरूरत है, जहां वो बनती है वहां से उस जगह ले जाना पड़ेगा जहां पर उसकी जरूरत है। ह्यूमन बीइंग्स यूज वेरियस मेथड्स टू मूव गुड्स, कमोडिटीज, आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम इंसान जो है अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, आइडियाज हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिससे ये बताया गया है कि कौन कौन से हमारे पास मेजर साधन उपलब्ध है ट्रांसपोर्टेशन के। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास तीन है, लैंड, वाटर और एयर। अब लैंड में आता है आपका रोड, रेलवेज, पाइपलाइन, उसी तरह से वाटर में आता है इनलैंड या सीवेज या ओशियनिक रूट, और एयर में आता है नेशनल और इंटरनेशनल। शुरुआत है लैंड ट्रांसपोर्ट से। द पाथवेज एंड द अनमेटल्ड रोड्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो रास्ते होते हैं या ऐसी कच्ची सड़कें होती हैं, इसका इस्तेमाल इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत पहले जमाने से यूज होता आ रहा है। विद द इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेटल रोड्स एंड रेलवेज वर डेवलप्ड टू मूव लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जैसे जैसे आर्थिक और तकनीकी तौर पर डेवलपमेंट हुआ तो हमारी जो रोड्स हैं वो मेटल की बनने लग गई, रेलवे लाइंस बिछ गई, जिसकी वजह से बहुत सारी मात्रा में चाहे चीजें हो या लोग हो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। रोपवेज, केबलवेज एंड पाइपलाइंस वर डिवाइस्ड टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक गुड्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसी तरह से जो रोपवे होती हैं, केबलवे होती हैं या जो पाइपलाइंस होती हैं, ये किस लिए बनाई गई? ताकि जो डिमांड्स हैं खास तरह की चीजों को, खास तरह की कंडीशंस के अंडर अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसे में उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए इन तरह के मींस का इस्तेमाल होता है। रोड ट्रांसपोर्ट। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड विद द टोटल लेंथ ऑफ 33.1 लाख किलोमीटर।
इंडिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी टोटल लेंथ 33.1 लाख किलोमीटर ये थी 2005 में। अबाउट 85% ऑफ द पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड्स एवरी ईयर। 85% पैसेंजर और 70% फ्रेट जो है ट्रैफिक जो है वो किससे वर्क करता है या किससे आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो है रोड्स। रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सूटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल, और रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है अगर थोड़े डिस्टेंस पर आपको दूरी तय करनी है। डू यू नो शेर शाह सूरी बिल्ड द शाही रोड टू स्ट्रेंथन द एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम द इंडस वैली टू द सोनार वैली इन बंगाल। जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने शाही रोड बनवाई ताकि ज्यादा से ज्यादा एक अखंड कहना चाहिए एकत्रित कर सकें, मजबूत कर सकें अपनी एम्पायर को इंडस वैली से लेके सोनार वैली जो बंगाल में थी। दिस रोड वॉज रीनेम्ड एज ग्रैंड ट्रंक रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कनेक्टिंग कैलकटा एंड पेशावर। इस रोड का नाम बदल के ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया ब्रिटिश पीरियड के दौरान, जो कि जोड़ती थी कैलकटा और पेशावर को। एट प्रेजेंट इट एक्सटेंड फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता। आज की डेट में ये कहां से कहां तक है, अमृतसर से कोलकाता तक। इट इज बाइफर्केटेड इनटू टू सेगमेंट्स। अब इसको विभाजित कर दिया गया है दो सेगमेंट्स में, एक है नेशनल हाईवे NH1 जो दिल्ली से अमृतसर है और दूसरा है NH2 दिल्ली से कोलकाता। रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वॉज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ उससे पहले तक रोड ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही सीमित था हमारे यहाँ। द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वॉज मेड इन 1943 व्हेन नागपुर प्लान वॉज ड्रॉप। सबसे ज्यादा गंभीर कोशिश जो करी गई वो करी गई 1943 में जब नागपुर प्लान बना। दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रिंसली स्टेट्स इन द ब्रिटिश इंडिया। अब ये प्लान जो है लागू क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे या जो ब्रिटिश इंडिया थी उनके बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, उसकी कमी हो रही थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस 20-ईयर रोड प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया। अब इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 20 साल का रोड प्लान जो है उसको लाया गया ताकि जो रोड के हालात हैं इंडिया के अंदर उनको बेहतर किया जा सके। हाउएवर रोड्स कंटिन्यू टू कॉन्सेंट्रेट इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स। पर ज्यादा सड़कें कहाँ बन रही थी, जो शहर हैं उनके अंदर या उसके आसपास। रूरल एंड रिमोट एरियाज हैज द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड। जो गाँव के या जो बहुत ही अंदर के इलाके होते हैं वहां पर रोड कोई नेटवर्क नहीं था, बहुत ही कम कनेक्टिविटी थी। For the purpose of construction and maintenance, roads are classified as national highways, state highways, major district roads and rural roads. अब construction और उनकी maintenance के हिसाब से roads को classify किया गया है चार parts में। पहला है national highway, दूसरा है state highway, तीसरा हो गया आपका major district roads और चौथा है rural roads यानी गांव की roads। National highway, the main roads which are constructed and maintained by the central government are known as national highways. वो मुख्य सड़कें जिनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। दीज रोड्स आर मेंट फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरिया। ये जो रोड्स होती हैं ये बेसिकली इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या जो डिफेंस की आर्मी है या उनका जो मटेरियल है खास तरह के इलाकों में जो है उनके मूवमेंट के लिए बनाई जाती है। These also connect the state capital, major cities, important ports, railway junctions, etc. इसके अलावा ये स्टेट की कैपिटल्स को जोड़ती हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं उनको, मुख्य शहर जो हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं या जो रेलवे जंक्शंस हैं उन सबको जोड़ती हैं। The length of the national highways has increased from 19,700 kilometer in 1951 to 65,769 kilometer in 2005. तो आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है नेशनल हाईवे की उसमें कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1951 में वो 19,700 किलोमीटर थी जो कि अब बढ़ के 65,769 किलोमीटर हो गई है 2005 में। द नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ बट कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। कहने को ये जो नेशनल हाईवे है ये सिर्फ 2% है टोटल रोड लेंथ का, लेकिन 40% जो रोड ट्रैफिक है वो इन्हीं के द्वारा चलता है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज ऑप्शनलाइज्ड इन 1995। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है एक तरह से ऑपरेशन में आई 1995 में। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द सर्फेस ट्रांसपोर्ट। अब ये जो है एक ऐसी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती है।
It is entrusted with the responsibility of development, maintenance and operation of national highways. इसका मेन जो काम है वो ये है कि इसके ऊपर जिम्मेदारी है डेवलपमेंट की, मेंटेनेंस की और ऑपरेशन की जो नेशनल हाईवेज है उनके. दिस इज ऑल्सो द अपेक्स बॉडी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रोड्स डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवे. ये टॉप मोस्ट बॉडी है जो ध्यान देती है कि जो रोड क्वालिटीज हैं उनको, जो इनको हम कहते हैं कि ये नेशनल हाईवे हैं, उनकी मेंटेनेंस का या उनका सुधार का ध्यान इसको रखना है. नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. अब NHAI has taken up some major projects in the country under different phases. हमारे यहाँ की जो NHAI है यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने कुछ बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट जो है कंट्री के अंदर करे हैं अलग अलग दौर में. जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इट कंप्राइजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ 5,846 किलोमीटर लॉन्ग 4x6 लेन हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर टू कनेक्ट इंडिया फॉर बिग मेट्रो सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. ये है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. इसमें लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी 4x6 लेन बनवाई गई है या इसमें बनवाई जाएगी और इसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक कॉरिडोर होगा जो कि इंडिया को जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता उससे जोड़ता है. विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल द टाइम डिस्टेंस एंड द कॉस्ट ऑफ मूवमेंट अमंग द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया विल बी कंसिडरेबली मिनिमाइज्ड. और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद चाहे समय हो, चाहे दूरी हो या जो कॉस्ट आती है मूवमेंट की, इन मेगा सिटीज में इंडिया के वो काफी हद तक कम हो जाएगी. दूसरा है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स. नॉर्थ साउथ एम्स एंड कनेक्टिंग श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है कि श्रीनगर जो जम्मू और कश्मीर में है उसको जो है जोड़ा जाए कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, जिसमें कोची सेलम पर भी आता है, विद 4,076 किलोमीटर लॉन्ग रोड. अब वहां से वहां तक की जो एक भगलग दूरी है वो है 4,076 किलोमीटर की. इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हैज बीन प्लान टू कनेक्ट सिलधर इन आसाम विद एन पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात विद 3,640 किलोमीटर रोड लेंथ. अब सेम चीज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में है. इसमें प्लान किया गया है कि जो सिलधर आसाम में है उसको पोर्ट टाउन जो पोरबंदर का है गुजरात के अंदर, जिसका डिस्टेंस लगभग 3,640 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है, उसको रोड से जोड़ा जाए. स्टेट हाईवेज, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट हाईवेज जो है उनको जो है मेंटेन और कंस्ट्रक्शन का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है. दे जॉइन द स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट टाउन्स. तो स्टेट हाईवेज क्या करते हैं, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं उनसे कनेक्ट करते हैं. दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज. सारी की सारी ये जो सड़कें हैं ये नेशनल हाईवे से कनेक्टेड होती हैं. दीज कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री. इनका जो एक तरह से शेयर है वो 4% है जो टोटल रोड लेंथ है कंट्री के अंदर उसमें. डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज रोड्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट. अब डिस्ट्रिक्ट नोड्स क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और जो इम्पोर्टेंट नोड्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनसे. दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री. अब ये 14% है जो टोटल रोड लेंथ है कंट्री की, उसमें इनका शेयर लगभग 14% है. रूरल रोड्स, दीज रोड्स आर वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक्स इन द रूरल एरियाज. अब गांव की सड़कें जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये जो है गांव के इलाकों से जोड़ती हैं. अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड्स. 80% हमारी जो टोटल सड़कें हैं इंडिया के अंदर उसमें 80% रूरल रोड्स हैं. देयर इज अ रीजनल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ रूरल रोड बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द टेरेन. क्षेत्रीय तौर पे बहुत ज्यादा चेंज मिलेगा रूरल रोड के डेंसिटी में क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह की जमीन है, जिस तरह की टोपोग्राफी है, टेरेन है, उसी के प्रभाव के या कहना चाहिए उसी के हिसाब से जो है रोड को बनाया जाता है. अदर रोड्स इंक्लूड बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज. इसके अलावा जो और रोड्स हैं उसमें बॉर्डर रोड्स आती हैं और इंटरनेशनल हाईवेज आते हैं. The Border Road Organization was established in May 1960 for accelerating economic development and strengthening defense preparedness through rapid and coordinated movement of strategically important roads along the northern and the northeastern boundary of the country. जो Border Road Organization है इसको स्थापित किया गया था May 1960 में,
ताकि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और मजबूत किया जा सके जो हमारी डिफेंस की तैयारी है, कैसे तेजी और क्या कहते हैं एक सहयोग का जो इम्प्रूवमेंट होता है, हम अपनी इम्पोर्टेंट जो रोड्स हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री पे कंट्री की, उनको और ज्यादा मजबूत करके। इट इज अ प्रीमियर मल्टी फेसेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी। ये एक तरह से कई काम करने वाली कंस्ट्रक्शन एजेंसी है। इट हैज कंस्ट्रक्टेड रोड्स इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस टेरेन ज्वाइनिंग चंडीगढ़ एंड मनाली एंड ले। दिस रोड रन्स एट एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 4,270 meters अबव द मीन सी लेवल। इसने जो है रोड्स जो है बहुत ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां होती हैं, जैसे जो चंडीगढ़ को मनाली से या लेह से जोड़ती हैं, उनको बनवाया है। और इनकी जो एवरेज ऑल्टीट्यूड पे जो रोड ये बनी हुई है वो हाइट लगभग 4,270 meters अबव मीन सी लेवल है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड ओवर 40,450 किलोमीटर रोड्स बाय मार्च 2005। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसने लगभग 40,450 किलोमीटर की रोड जो है कंप्लीट कर ली मार्च 2005 तक। अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज, द बीआरओ आल्सो अंडरटेक्स नो क्लियरेंस इन द हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। एक तरफ जहां ये कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करते हैं रोड्स का जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहीं पर ये जो है बीआरओ है, ये जो बर्फ गिर जाती है ऊंची ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में उसको साफ करने का काम भी करते हैं। द इंटरनेशनल हाईवेज आर मेंट टू प्रमोट द हारमोनियस रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक्स विद इंडिया। अब जो इंटरनेशनल हाईवेज हैं इनका मेन काम क्या होता है कि एक तरह से हारमोनियस रिलेशनशिप बने रहे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ, एक असरदार लिंक उनको जो है देकर इंडिया के साथ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। अब जो रोड्स हैं वो समान नहीं बनी हुई है कंट्री के अंदर। डेंसिटी ऑफ रोड दैट इज द लेंथ ऑफ द रोड पर स्क्वायर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया वेरीज फ्रॉम ओनली 10.48 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 387.24 किलोमीटर इन केरला विद अ नेशनल एवरेज ऑफ 75.42 किलोमीटर। जो डेंसिटी है रोड्स की यानी जो लेंथ है रोड की पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वो काफ़ी वेरी करती है। अब जैसे 10.48 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर है में है तो 387.24 किलोमीटर केरला में, और जिसका नेशनल एवरेज लगभग 75.42 किलोमीटर है। द डेंसिटी ऑफ रोड इज हाई इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड मेजर सदर्न स्टेट्स। तो जो डेंसिटी रोड की है वो सबसे ज्यादा है या तो ज्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स में या जो मेजर साउदर्न स्टेट्स हैं उनमें। इट इज लो इन द हिमालयन रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, यहाँ पर बहुत लो है। Why does this variation occur? अब ये इस तरह का variation क्यों है? Nature of terrain and the level of economic development are the main determinants of the density of road. एक तो वहाँ का terrain कैसा है, दूसरा किस हद तक आर्थिक विकास हुआ है, ये main factors होते हैं roads की density के लिए। Construction of roads is easy and cheaper in the plain areas, while it is difficult and costly in hilly and plateau areas. आसानी से roads का construction कराया जा सकता है सस्ते दाम काम मतलब price पे, वो मैदानी इलाकों में हो सकता है, लेकिन जो पहाड़ी या प्लेटू वाले इलाके होते हैं वहाँ मुश्किल भी होता है और काफ़ी महंगा भी पड़ता है। देयरफॉर नॉट ओनली द डेंसिटी बट द क्वालिटी ऑफ द रोड्स इज रिलेटिवली बेटर इन प्लेन्स एज कम्पेयर टू द रोड्स इन द हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज रेनी एंड फॉरेस्टेड रीजन। इसी वजह से खाली डेंसिटी की ही बात नहीं है, जो रोड की क्वालिटी है वो बहुत आपको बेहतर मिलेगी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर। अगर जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं जहाँ बरसात बहुत होती है, जो जंगल के इलाके हैं, वहाँ पर रोड की क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी।